हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या है और उसका एप्लीकेशन। तो बेसिकली 11th 12th क्लास के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ एज़ अ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये था कि अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर और फंक्शन। सो सिंपली इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। सो उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर। सो ऑर्डर के लिए हमने क्या करते थे, पहला था कि टोटल नंबर ऑफ रो क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम। टोटल ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट करते थे, टोटल नंबर ऑफ रो क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम। सो रो हमारा था A11, A12, A13, A14, A1n। तो ये जो हमारा A1 था वो हमारा पहला रो था, उसके बाद ये हमारा दूसरा था, इसी तरीके से ये हमारा m वा रो था। उसी तरीके से A11, A21 अप टू AM1 जो था हमारा पहला कॉलम था, ये हमारा A12, A22, AM2 हमारा दूसरा कॉलम था। इसी तरीके से A1n, A2n और AMn हमारा nवां कॉलम था। सो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, उसके ऑर्डर को m क्रॉस n डिफाइन किया था। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स फ्रॉम अ गिवन एलिमेंट। सो यहाँ पे दिया हुआ था एक एलिमेंट नंबर ऑफ रो था और जे था क्या हमारा कॉलम था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो हो गया हमारा 3 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम हो गया 2। सो वहाँ से हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया था, A11, A21, A31, A12, A22, A32 फाइंड आउट करके। इस तरीके से हमने सारे वैल्यू आई और जे की वैल्यू को पुट करके हमने अपना मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 3x2 है उसको फाइंड आउट किया था। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। व्हाट वी लर्न टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला था रो मैट्रिक्स, द फर्स्ट वन वाज रो मैट्रिक्स। सो नाम से ही क्लियर है कि किसी भी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो 1 हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम हो तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा। आगे था कॉलम मैट्रिक्स। सो यहाँ पे भी फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम विल बी 1 एंड एनी नंबर ऑफ रो, देन द मैट्रिक्स इज़ नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। सो ये हमारा एग्जांपल था 1, 2, 7, 3, 4x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसका कॉलम 1 था, तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ। अगला मैट्रिक्स था हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स था या जीरो मैट्रिक्स, सो एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरोस। सो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रो मैट्रिक्स हो, चाहे कॉलम मैट्रिक्स हो, उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो वो हमारा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरल था हमारा कि हमने मैट्रिक्स को डिफाइंड किया था एम क्रॉस एन ऑर्डर का, हमने मैट्रिक्स डिफाइंड किया था एम क्रॉस एन ऑर्डर का। वी डिफाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर। सो इन दैट उस मैट्रिक्स में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल कर दिया। उस केस में जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर वही या तो m के इक्वल होगा या n के इक्वल, यानी दोनों इक्वल हैं या तो m होगा या तो n होगा।
तो इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल था 2x2 ऑर्डर का 2415, और 3x3 ऑर्डर का था AHG AHG BFFC। सो ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही दो तीन और एग्जांपल थे डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल क्या होता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा डायगोनल होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, सपोज A11 A12 up to A1m, m x m मैट्रिक्स का कोई भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, तो उसका सेकंड रो हो जाएगा A21 A22 up to A2m। उसी तरीके से लास्ट यानी कि mth वाला होगा AM1 AM2 up to AM और m। सो ये हमारा m क्रॉस m ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। तो इसका डायगोनल जो होगा वो उस तरीके से डिफाइंड होगा, डायगोनल जो होगा, डायगोनल इक्वल्स टू A11 A12 A22 A33 ... AM और m। यानी कि हमारा ये जो होगा वो हमारा डायगोनल होगा, और जो एलिमेंट होंगे वो A11 A22 A33 ... AMM तक जो होंगे वो हमारे डायगोनल होंगे। ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला था स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि पहले तो कंडीशन थी कि मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दैट इज़ कि ऑर्डर जो होगा m क्रॉस n m का होगा। दूसरा था नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, और तीसरा था डायगोनल एलिमेंट किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, K 1 2 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। अगला टाइप था यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसमें क्या था, उसकी डिफिनीशन थी कि पहला मैट्रिक्स स्क्वायर हो, दूसरा था नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट वन हो, तो जो वो हमारा मैट्रिक्स होगा वो इस यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये हमने 3x3 का एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, टू और मोर मैट्रिक्स, तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखा था। तो शुरू करते हैं फिर से एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और मोर देन टू मैट्रिक्स। सपोज हमने दो मैट्रिक्स डिफाइन किया, पहला जो मैट्रिक्स है सपोज A=A11 A12 A13 A21 A22 A23। सो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 2x3 हो जाएगा इसका ऑर्डर। और दूसरा जो होगा मैट्रिक्स B11 B12 B13 B21 B22 B23, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2x3। सो एडिशन के लिए पहला कंडीशन ये है, कंडीशन वन ये है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल सेम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हेयर वी सी कि मैट्रिक्स ए के लिए ऑर्डर 2x3 है, मैट्रिक्स बी के लिए भी ऑर्डर 2x3 है। तो इनका एडिशन जो होगा A+B जो होगा वो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब मैट्रिक्स ए के लिए जो पहला एलिमेंट A11 है उसके करिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी का पहला एलिमेंट B11 है, तो हमने इसको ऐड कर दिया। उसी तरीके से मैट्रिक्स ए का दूसरा एलिमेंट A12 है और उसके करिस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट B12 है, तो उसको हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ए का फिर से तीसरा एलिमेंट क्या है, पहले रो का तीसरा एलिमेंट A13 है। उसी तरीके से दूसरे मैट्रिक्स के लिए पहले रो का तीसरा एलिमेंट वो है B13। तो इस तरीके से हमने एडिशन कर लिया पहले रो के लिए। दूसरा होगा A21 + B21, पहले मैट्रिक्स का दूसरे रो का पहला एलिमेंट। उसी तरीके से B21 जो होगा दूसरे मैट्रिक्स का दूसरे रो का पहला एलिमेंट। सेम
ए टू टू प्लस बी टू टू और लास्ट वन ए टू थ्री प्लस बी टू थ्री। तो ये हमारा इस तरीके से एडिशन हो जाएगा और इसका ऑर्डर जो होगा वो दोनों मैट्रिक्स में से किसी एक के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है हमारा जो एडिशन होता है वो एडिशन की कंडीशन ही यही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तभी हमारा मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। तो हमने एक एग्जांपल देखा था किस तरीके से ऐड करते हैं। यहाँ पे ए दिया हुआ था 4 to 5, ए इज़ गिवन एज 4 to 5 1 3 एंड -6, बी इज़ गिवन एज 1 0 2 एंड 3 1 4। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 x 3 का ऑर्डर है। मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर 2 x 3 है, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2 x 3 है। फिर से हम देख लेते हैं ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है। ये हमारा पहला रो हुआ, ये हमारा दूसरा रो हुआ, तो कितने रो हो गए, 2 रो हो गए। फिर यहाँ पे ये हमारा पहला कॉलम हुआ, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम, तो कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो हमारा ऑर्डर हो गया 2 x 3। इसी तरीके से बी के लिए यहाँ पे पहला रो हो गया 1 0 एंड 2, दूसरा रो हो गया 3 1 एंड 4, तो कितने रो हो गए बी के लिए, 2। और कितने कॉलम होंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम। पहले कॉलम का एलिमेंट 1 3, दूसरे कॉलम का एलिमेंट 0 1 और तीसरे कॉलम का एलिमेंट 2 4। तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 x 3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। जब एडिशन पॉसिबल है तो हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स के लिए यानी कि ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 4, उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी यानी कि दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1। तो 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा, यहाँ हमने 4 और 1 लिखा हुआ है। उसी तरीके से पहले मैट्रिक्स का दूसरा, पहले मैट्रिक्स का पहले रो का दूसरा एलिमेंट 2, पहले मैट्रिक्स के पहले रो का दूसरा एलिमेंट 2 और दूसरे मैट्रिक्स यानी बी के लिए पहले रो का दूसरा एलिमेंट 0, जो कि यहाँ पे 2 + 0 हमने ऐड कर दिया। उसी तरीके से 5 + 2, 1 + 3, 3 + 1 एंड -6 + 4 आया, उसको हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्ट ये आ गया 5 2 7, 4 4 एंड -2। तो ये हमारा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस कंप्लीट हो गया। हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगला पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये करना है यहाँ पे एज इट क्लियर इक्वालिटी। यहाँ पे हमें ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो यहाँ पे पहला है सपोज ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, जनरल टर्म हो गया किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। और दूसरा मैट्रिक्स हो गया बी इक्वल्स टू उसका एलिमेंट बी आई जे। बी आई जे का मतलब सपोज बी का ऑर्डर 2 x 2 है तो बी 1 1, बी 1 2, बी 2 1 एंड बी 2 2। आई का मतलब यहाँ पे रो से है और जे का मतलब कॉलम से है। सिंपली ए अगर 3 x 3 होता तो ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, बी 1 1, सॉरी ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, सी 1 1, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हुआ वो उसका ऑर्डर 3 x 3 हुआ। तो इस तरीके से ये जनरल टर्म हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस यहाँ पे हमने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू ए आई जे और बी इज इक्वल्स टू बी आई जे। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स डिफाइंड हो जाएगा किसी भी एक एलिमेंट से। तो ये मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे दोनों, उसकी पहली कंडीशन ये है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन ये है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इसकी पहली कंडीशन हो गई कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के बराबर होगा
तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के बराबर, ए का दूसरा एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट के बराबर। तो हम दूसरी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे। सो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज पहला है हमारा ए की सेम ऑर्डर, तो हम 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एलिमेंट a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो यहाँ पे 3x3 का ये पहला एलिमेंट होगा। क्या पहला एलिमेंट होगा? a11। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? a12। तीसरा एलिमेंट क्या होगा? a13। ये पहले रो के एलिमेंट होंगे। इसको हम ऐसे इस तरीके से ट्रांसपोज में लिख सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे लिखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा बी, तो उसके 3x3 का एलिमेंट हम लिख लेते हैं b11, b12, b13, b21, b22, b23, b31, b32, b33। तो ये जो हमारे मैट्रिक्स हो गए 3x3 के मैट्रिक्स हो गए दोनों। तो यहाँ पे इक्वालिटी का पहला कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है। और दूसरा है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, डेट इज़ ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब है फॉर ऑल। तो इसको हम इसका फॉर ऑल इसका मतलब ये हुआ कि a11 किसके इक्वल होगा? b11 के। a22 किसके इक्वल होगा? करिस्पॉन्डिंग b22 के। इसी तरीके से a33 किसके इक्वल होगा? b33 के। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट ए के उसके करिस्पॉन्डिंग बी का जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है 2301, ये सपोज ए मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल है बी का 2301। तो पहला हम क्या चेक करेंगे? इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर दोनों का 2x2 है, देख सकते हो आप, उसी तरीके से बी का भी 2x2 है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए का ईच एलिमेंट पहला एलिमेंट 2 है, तो दूसरे का भी पहला एलिमेंट 2 है। ए का पहला एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट 3 है, इसका भी यहाँ पे 3 है। यहाँ पे ए के दूसरे रो का पहला एलिमेंट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हुए? हमारे इक्वल हुए। अब अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू 3201। ये हमारा सी हुआ और ये हमारा डी अगला देख लेते हैं 2301। तो यहाँ पे क्या ए इक्वल्स टू बी है, तो ये इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है। अगला है सी इक्वल टू डी है या नहीं। तो ऑर्डर तो यहाँ पे सेम है, 2x2 2x2, आप देख सकते हो यहाँ पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसी तरीके से पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो ये 2x2 का दोनों मैट्रिक्स हैं। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट पहले मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पे पहला वाला ही एलिमेंट जो सी का है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, डी के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, यानी कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है।
तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। इस तरीके से हमारा इक्वालिटी का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि एग्जांपल किस तरीके से पूछा जाएगा। तो एग्जांपल हो गया हमारा पहला 2a प्लस बी ए माइनस बी 5c माइनस डी 4c प्लस 3d ठीक है इक्वल्स टू 4 माइनस 3 11 और 24। ये जो हमारा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो द क्वेश्चन इज हियर टू मैट्रिक्स विच इज 2a प्लस बी ए माइनस बी 5c माइनस डी एंड 4c प्लस 3d विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 11 एंड 24। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है ऑर्डर इज सेम 2x2। सो द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स यानी कि 2a प्लस बी पहले मैट्रिक्स के पहले रो का पहला एलिमेंट जो कि इक्वल होगा 4 के। नेक्स्ट है a माइनस बी जो कि इक्वल होगा माइनस 3 के। ये जो है हमारा पहले मैट्रिक्स के पहले रो का दूसरा एलिमेंट और ये भी हमारा पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो का दूसरा एलिमेंट। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 ए माइनस यहाँ पे क्वेश्चन है ए माइनस 2b ए माइनस 2b तो ए माइनस 2b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3 5c माइनस डी इज इक्वल्स टू 11 एंड 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे इन दोनों से क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 और b इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2। सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 उसी के नीचे लिख दिया 2a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया दिस इज माइनस दिस विल बी प्लस दिस विल बी प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 5b इक्वल टू 10 सो b इज इक्वल्स टू 2 बी की वैल्यू 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 में पुट करेंगे तो 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 4 तो 2a इक्वल्स टू 2 तो a विल बी 1। तो यहाँ से हमारा a और b की वैल्यू आ गई 1 एंड 2। अब नेक्स्ट है हमें c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b a b c एंड d। तो हमें यहाँ पे चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें a और b मिल गया। अब अगला है दूसरे रो के कंपेयर करते हैं 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। तो हम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या आ जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33 एंड 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 19c इक्वल्स टू हो जाएगा 7 एंड 5 दैट इज़ 57। तो c विल बी 57 डिवाइडेड बाई 19 विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो c की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 में यानी कि चौथे इक्वेशन में। तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू d इक्वल्स टू 24 12 प्लस 3d इक्वल्स टू 24 3d इक्वल्स टू 24 माइनस 12 डेट इज़ 12 तो d विल बी
12 divided by 3, which gives 4. So what we get? We get A is equals to 1, B is equals to 2, C is equals to 3, and D is equals to 4, which is our required result. So यहाँ पे हम मैट्रिक्स की को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ था 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d और 4c plus 3d. तो ये हमारा मैट्रिक्स था. तो 2 into a which is 1 plus b equals to 2, दूसरा 1 minus 2 into 2, नेक्स्ट इज 5 इंटू 3 माइनस 4, नेक्स्ट इज 4 इंटू सी विच इज 3 प्लस 3 इंटू डी विच इज 4. तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 2 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4, 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3, 5 थ्री जा 15 माइनस 4 11, 4 थ्री जा 12, 4 थ्री जा 12 24. सो ये हमारा आ गया इक्वल हो गया किसके, ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के. तो ये हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया. LHS और RHS इक्वल हो गए, मतलब हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया. तो आगे बढ़ते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर, अगला पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर. तो हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो सपोज हम इसको एग्जांपल से देखते हैं. कोई हमारा मैट्रिक्स ए है 3 1 1.5, रूट 5, 7 माइनस 3 एंड 2 0 5. तो ये हमारा कोई मैट्रिक्स गिवन है. तो हमें क्या फाइंड करना है, 3a फाइंड करना है. यानी कि हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा. तो 3a विल बी 3 इंटू 3 रूट 5, 2 170 1.5 माइनस 3 एंड 5. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करेंगे कि हम सारे एलिमेंट में मैट्रिक्स के उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना. तो क्या हो जाएगा, 3a विल बी 3 इंटू 3 विच इज़ 9, नेक्स्ट है 1 इंटू 3 विच इज़ 3, नेक्स्ट विल बी 1.5 इंटू 3 विच इज़ 4.5. तो ये हमारा पहला रो आ गया. नेक्स्ट है 3 इंटू रूट 5 विच इज़ 3 रूट 5, 3 इंटू 7 विच इज़ 21, नेक्स्ट वन इज़ 3 इंटू माइनस 3 विच इज़ माइनस 9, नेक्स्ट इज़ 2 इंटू 3 विच इज़ 6, 0 इंटू 3 विच इज़ 0, 3 इंटू 5 विच इज़ 15. नेक्स्ट सो हमारा आंसर होगा 9 3 4.5 3 root 5 21 माइनस 9 6 0 and 15. ये हमारा आंसर होगा और इसका ऑर्डर भी गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं जनरली कि कोई हमारा मैट्रिक्स के है, सॉरी कोई हमारा मैट्रिक्स ए है, ए आई जे है किसी भी ऑर्डर का, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो हम क्या करेंगे, के हमारा कोई स्केलर है तो के और ए का मल्टीप्लिकेशन जो होगा के इंटू ए आई जे
एम क्रॉस एन के इक्वल होगा। तो ये हमारा किसी भी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या रिजल्ट आएगा। अगला है कि जब हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए को जब हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन। सो माइनस बाहर ले लिया या माइनस बाहर ए आई जे एम क्रॉस एन दैट इज माइनस ए। तो ये हमारा क्या होगा, इससे हमारा निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज ए दिया हुआ है एक्स वाई फाइव एक्स थ्री वाई, तो हमें क्या फाइंड करना है, माइनस ए फाइंड करना है। तो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू इन ब्रैकेट एक्स वाई फाइव एक्स थ्री वाई। नेक्स्ट विल बी ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई, ये जो हमारा होगा माइनस ए हो जाएगा। यही हमारा निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने एडिशन देख लिया, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन देख लिया, इतने सारे चीज़ें देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें दो मैट्रिक्स दिए हों तो उनका डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज हेडिंग हमारा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो ए जो इक्वल्स टू है ए आई जे जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा, बी इक्वल्स टू ए आई जे सॉरी बी इज इक्वल्स टू बी आई जे इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। तो एडिशन में क्या होता था कि पहले हम चेक करते थे दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, तो उसी तरीके से डिफरेंस में भी क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो जो डिफरेंस होगा, सपोज डी हो गया विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो इंडिविजुअली क्या करेंगे, ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी आई जे विच इज इक्वल्स टू एम क्रॉस एन। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। तो एग्जांपल है ए इज इक्वल्स टू वन टू थ्री वन एंड बी इज इक्वल्स टू थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन जीरो टू। तो ये हमारे दो मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टू ए माइनस बी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट और दूसरा डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, टू ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टू ए माइनस बी विल बी टू इन मैट्रिक्स वन टू थ्री वन माइनस बी, बी जो हमारा होगा थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन जीरो और टू। इस तरीके से हमने क्वेश्चन में जस्ट मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या डिफाइंड होता है कि हमारा इंडिविजुअली किसी भी एलिमेंट से जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, हम इंडिविजुअली उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट का। तो यहाँ पे टू इंटू वन टू इंटू टू टू इंटू थ्री टू इंटू टू टू इंटू थ्री टू इंटू वन, तो ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, माइनस थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन जीरो टू।
जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2, 4, 6, 4, 6, 2 -3, -3, -1, 0 and 2। ये हमारा हो गया, दो मैट्रिक्स आ गए। अब हम उसको डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जिस तरीके से हम एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा पहला एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के पहले रो का। इसी तरीके से 4 - -1, 6 - 3, 4 - -1, 6 - 0 and 2 - 2। ये सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने एक साथ सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब जो होगा 2 - 3 which is -1, नेक्स्ट विल बी 5, 6 - 3, 3, 5, 6, 0। ये हमारा 2 x 3 का मैट्रिक्स हुआ, और ये किसकी वैल्यू हो गई, 2a - b का। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। जैसे हमने एडिशन किया, तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो हेडिंग हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जब कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है, डेट इज a, a i से m x n, जब कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की गिवन हो, तो हम कह सकते हैं कि a+b which is equals to b+a। यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, a गिवन है a i j m x n का, b गिवन है b i j m x n ऑर्डर का। तो a प्लस b क्या हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन वन का लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b क्या हो जाएगा, a i j ऑफ m x n ऑर्डर का प्लस b i j m x n ऑर्डर का। तो क्या हो जाएगा एडिशन, a i j प्लस p i j, क्योंकि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं और ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, 2 + 3 को 3 + 2 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से a i j को b i j और a i j, या इस तरीके से समझे a+b को हम b+a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b i j plus a i j (in ऑफ ऑर्डर m x n) तो हम इसको अब अलग अलग कर लिए, b i j ऑफ ऑर्डर m x n plus a i j ऑफ ऑर्डर m x n। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हुआ ये b हो गया, ये हमारा जो हुआ ये a हो गया। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ नंबर्स कम्यूट कर रहा है, तो हमारा मैट्रिक्स भी क्या कर रहा है, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। वापस से हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ जो है, नेक्स्ट लॉ है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स लेते हैं सेम ऑर्डर के। सपोज a = aij जिसका ऑर्डर m x n, b = bij और इसका ऑर्डर m x n,
सी इज इक्वल्स टू सी आई जे और इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन। ये तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं सेम ऑर्डर के, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ें उसके बाद तीसरे मैट्रिक्स को जोड़ लें तो वो हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अगला पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगला लॉ है तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम क्या इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सपोज देख लिया हमने ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर हमारा क्या है एम क्रॉस एन। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सपोज ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स, और ओ हमारा जो है कोई दूसरा मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, इसको हम क्या कहें जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स की मैंने डिफिनेशन बताई थी कि सारे एलिमेंट क्या हों जीरो हों। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स के केस में जो हमारा ओ है वो एम क्रॉस एन ऑर्डर है तो उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे। तो उस केस में क्या होगा ए प्लस ओ क्या हो जाएगा हमारा ओ प्लस ए, दोनों किसके इक्वल होगा ए के, क्योंकि हमारे इंडिविजुअली हम ईच करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए को ओ के साथ ऐड करेंगे तो किसी भी नंबर को हम जीरो के साथ ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आएगा। तो हमारा ओ क्या होगा, ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर में हम क्या जोड़ें कि वही नंबर आए, सपोज थ्री में हम क्या जोड़ें कि हमारा थ्री ही आए, तो थ्री में हम क्या जोड़ेंगे जीरो जोड़ेंगे। उसी तरीके से किसी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें कि वही मैट्रिक्स आए, तो किसी मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स जोड़ देंगे तो वो हमारा वही मैट्रिक्स आएगा, और ये हमारा नल मैट्रिक्स जो होगा वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होगा, यानी कि एडिशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा ओ जो होगा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो ओ जो होगा उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा, इस तरीके से होगा जीरो जीरो जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जीरो 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 एम क्रॉस एन, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और ये हमारा ओ क्या होगा, ओ क्या होगा ओ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो यहाँ पे ओ होगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट है हमारा the existence of additive inverse। existence of additive inverse। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सपोज किया हमने कि ए कोई अगेन एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई जे। तो ए प्लस माइनस ए क्या होगा नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से होगा, इन दोनों को ए प्लस
माइनस ए किया तो ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स माइनस सॉरी प्लस माइनस ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। सो दोनों मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे सारे एलिमेंट प्लस होंगे और यहाँ पे जस्ट उसके निगेटिव साइन के होंगे, अपोजिट साइन के। तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ऑफ एम क्रॉस एन, यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो जीरो, विच इज़ नल मैट्रिक्स आएगा। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि किसी भी नंबर में हम क्या जोड़ें कि हमारा आंसर जीरो है। तो किसी भी नंबर में अगर उस नंबर का निगेटिव जोड़ दें तो हमारा वैल्यू जीरो आएगा। उसी तरीके से किसी भी नंबर में हम क्या, किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें कि वो नल मैट्रिक्स आए, तो उसका एडिटिव इनवर्स यानी कि माइनस ए जोड़ने पे हमारा नल मैट्रिक्स आएगा। तो हमारा माइनस ए जो होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए के लिए, यानी कि फॉर गिवन मैट्रिक्स ए, ए इनवर्स विल बी एडिटिव इनवर्स, सॉरी ए माइनस माइनस ऑफ ए विल बी एडिटिव इनवर्स। सो इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर्टी चारों खत्म हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा अगला क्या टॉपिक होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सो किसी भी मैट्रिक्स में हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसको हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, बी इज इक्वल्स टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ये दो मैट्रिक्स हो गए सेम ऑर्डर के, और के जो हमारा होगा कोई स्केलर होगा। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होगी उसको हम देख लेते हैं। पहला है के इन ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी, तो क्या होगा उस केस में, के का ए के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन प्लस के का बी के साथ। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू ए प्लस बी या के ए आई जे प्लस बी आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू ए आई जे प्लस के इंटू बी आई जे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के ए प्लस के बी के। पहला आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है दूसरा कि के प्लस एल, यहाँ पे एल भी एक स्केलर है इक्वल इंटू ए, तो के ए प्लस एल है ए। के और एल क्या है, हमारे स्केलर हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए इज इक्वल्स टू 804 माइनस 236। ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। बी जो होगा हमारा 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 एंड 1, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स होगा, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स
such that 2a plus 3x equals to 5b. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे a हो जाएगा, a गिवन है 8, 0, 4, -2, 3 and 6. b गिवन है 2, -2, 4, 2, -5 and 1. तो 2a हो जाएगा 16, 0, 8, -4, 3, 2, 6, 6, 12. ये हो जाएगा हमारा 2a, और 5b हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10 and -10, 4 2 8, sorry, 4 5 24 and 5 2 10, 5 5 -25 and 5 1 5. तो 2a एंड 5b हमारा आ गया. अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम देख लेते हैं 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b. तो 2a 3x जो हो जाएगा हमारा 5b माइनस 2a, या x इक्वल टू हो जाएगा 1/3 5b माइनस 2a. ये जो होगा हमारा 5b माइनस 2a अपॉन 3 जो होगा वो x की वैल्यू होगा. तो x विल बी 1/3 5b माइनस 2a. तो x इक्वल्स टू 1/3 5b जो होगा 10 -10, 20, 10 -25 और 5 होगा, और माइनस 2a जो होगा 16, 0, 8, -4, 6, 12. और ये बड़े ब्रैकेट में क्लोज होगा. तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद 1/3, 10 -16, -6, -10 -0, -10, 20 -8, 12, 10 -4, 14, 25 -6, -31, and 5 -12, -7. तो ये जो हमारा होगा x की वैल्यू हो जाएगी. मोर स्पेसिफिक क्या करेंगे हम 3 से, जब 3 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईच एलिमेंट में, तो हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे -2, -10/3, 12/3 विल बी 4, 14/3, -31/3, -7/3. तो ये हमारा आ गया आंसर. सो ये हो गया हमारे x की वैल्यू. सो इस वीडियो में इतना ही. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.